कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं जिस वजह से कई बार रात को हम सो नहीं पाते हैं, या फिर शायद अगले दिन हमारे साथ में कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज होने वाली हो, या फिर शायद ऐसी चीज होने वाली हो जहां पे हमें किसी चीज का रिजल्ट मिलने वाला है, जैसे एग्जामिनेशन, या फिर शायद कोई ऑफिस का प्रेजेंटेशन हुआ हो जिसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है, तो शायद वो एक्साइटमेंट में या नर्वसनेस में आप नींद ना ले पाए अच्छे से। पर कई बार ऐसा होता है कि वही जो नींद की प्रॉब्लम होती है वो बड़े लंबे समय तक चलती है और उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जब लंबे समय तक आपको प्रॉपर नींद ना आए उसको कहते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया को भी डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे नॉर्मल ही लोग कई बार अपनी नींद की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि देखा जाए तो इंसोम्निया एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसोम्निया क्या होता है और उसके लक्षण क्या है। इंसोम्निया एक स्लीप डिसऑर्डर है, मतलब कि नींद से जुड़ी हुई बीमारी जिसमें हो सकता है कि आपको शायद नींद आए ही ना, या फिर अगर नींद आती है तो आप उसमें सस्टेन नहीं कर पाते हैं, बार बार नींद टूटती है। इंसोम्निया भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी इंसोम्निया, जिसका मतलब है कि शायद हमें नींद में प्रॉब्लम आ रही है पर उसका कनेक्शन किसी हेल्थ प्रॉब्लम से या फिर किसी फिजिकल इलनेस से नहीं है। दूसरा जो है वो है सेकेंडरी इंसोम्निया, जिसका मतलब है कि उनको अगर कोई नींद की प्रॉब्लम हो रही है तो वो किसी सेकेंडरी रीजन की वजह से हो रही है, मतलब कि वो किसी और वजह से हो रही है, जैसे कि हो सकता है कि कोई हेल्थ कंडीशन हो, पेन हो सकता है, कोई शायद क्रॉनिक इलनेस हो जैसे कि कोई कैंसर, चेस्ट पेन हो सकता है, डिप्रेशन, या फिर कोई और तरह की बीमारी, या फिर हो सकता है कि वो किसी तरह के मेडिसिन में है या कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जिस वजह से उनकी नींद अच्छी नहीं हो रही है, या फिर सब्सटेंस यूज की वजह से, मतलब कि शराब या ड्रग्स वगैरह लेने की वजह से उनकी नींद खराब हो चुकी है और शायद उन्हें इंसोम्निया हो चुका हो। कुछ लोग इंसोम्निया कुछ ही समय के लिए एक्सपीरियंस करते हैं और कई सारे लोग बहुत लंबे समय के लिए उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो लोग कम समय के लिए एक्सपीरियंस करते हैं उसको कहते हैं एक्यूट इंसोम्निया। एक्यूट इंसोम्निया हो सकता है कि सिर्फ एक रात के लिए रहे या कुछ हफ्तों के लिए। वैसे ही क्रॉनिक इंसोम्निया जो होता है वो लंबे समय के लिए रहता है और उसको क्रॉनिक इंसोम्निया तब कहा जाता है जब वो एक महीने के लिए एटलीस्ट आप हफ्ते में 3 दिन एक्सपीरियंस करें तो फिर उसको क्रॉनिक इंसोम्निया का डायग्नोसिस दिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया इंसोम्निया एक स्लीप डिसऑर्डर है और वहाँ पे हो सकता है कि उनको नींद आने में प्रॉब्लम हो या फिर अपनी नींद को सस्टेन रखने में प्रॉब्लम हो, मतलब कि अगर वो सो रहे हैं तो उनकी नींद बार बार ब्रेक हो रही है। पर इतने ही इसके सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसके सिम्टम्स मतलब लक्षण और भी हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, और मैंने इससे पहले भी कुछ स्लीप्स के ऊपर वीडियोस बनाए थे तो वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और दूसरे भी टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए और जानते हैं इसके लक्षण के बारे में। इसके सबसे सामान्य लक्षणों में है कि उनको नींद नहीं आती है, तो जब वो बिस्तर में जाते हैं तो उनको नींद आने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा ये है कि जब उनको नींद आ जाए तो वो रात को बार बार उठते रहते हैं जिस वजह से उनको पूरी नींद होती नहीं है और वो फ्रेश फील नहीं करते सुबह। तीसरा सिम्टम ये है कि उनकी नींद सुबह बहुत जल्दी टूट जाती है और उसकी वजह से भी उनकी नींद आधी रह जाती है। इन सब के अलावा जो दूसरे सिम्टम्स दिखेंगे वो ये हो सकते हैं कि जब वो सुबह उठे तो वो फ्रेश नहीं फील करते हैं, इवन अगर वो पूरी रात भी सोए हैं तो भी उनको वो फ्रेश फील नहीं होता है क्योंकि इनकी नींद प्रॉपर नहीं हुई है। या फिर ये हो सकता है कि उनको दिन के समय बहुत ज्यादा टायर्ड फील होता है या फिर बहुत ज्यादा नींद आती रहती है दिन के समय में। इसके अलावा उनमें शायद इरिटेबिलिटी देखी जा सकती है, डिप्रेशन और एंजाइटी के भी सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, और उसके साथ में शायद उनकी मेमोरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो शायद उनको याद ना रहे, वो शायद कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए किसी चीज पे, अपना अटेंशन नहीं दे पाते हैं, या फिर कोई टास्क अगर कर रहे हो तो उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं अपने काम में, या फिर एक्सीडेंट से, या फिर चोट बहुत लग रही है उनको। और इन सबके साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि वो अपनी नींद को लेकर बहुत ज्यादा ही टेंशन लेने लगे हैं, बहुत ज्यादा वरी करने लगे हैं, चिंता में रहने लगे हैं। इंसोम्निया होने के कुछ कारण हो सकते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। आप जो एक्यूट इंसोम्निया है उसके होने के कारण हो सकता है कि कोई बीमारी हो गई हो, शायद ये भी हो सकता है कि वो इमोशनली या फिजिकली डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, कोई लाइफ स्ट्रेसर भी हो सकता है जैसे कि
जॉब में अभी चेंज किया है या शायद नौकरी चली गई है या नौकरी में शायद बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने लगा है। ये भी हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हो या फिर शायद किसी पहचान वाले की डेथ हो गई हो। डाइवोर्स या फिर ब्रेकअप भी एक कारण हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं जिस वजह से शायद नींद में प्रॉब्लम हो रही हो या फिर शायद आपका जो स्लीप का रूटीन है उसमें शायद कोई चेंजेस आ गए हैं रिसेंटली। जेट लैग हो सकता है या फिर शायद आपका शिफ्ट चेंज हो चुका है उसकी वजह से हो सकता है कि आपको एक्यूट इंसोम्निया हो जाए। वहीं पे क्रॉनिक इंसोम्निया होने के कारण ये हो सकते हैं कि शायद उनको डिप्रेशन या एंजाइटी हो गया है जिसमें इंसोम्निया एक लक्षण है। बहुत लंबे समय से शायद किसी तरह का स्ट्रेस है आपके साथ में या फिर हो सकता है कि किसी तरह का पेन या डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हैं जिस वजह से आपको रात में सोने में प्रॉब्लम होती है और आपको क्रॉनिक इंसोम्निया हो गया हो। अगर आपको लगता है कि आपको इंसोम्निया है और उसकी वजह से आप डेली फंक्शनिंग में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आपके जॉब में या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक प्रोफेशनल को कंसल्ट कर लीजिए। वो एक फिजिशियन भी हो सकता है और हो सकता है वो शायद आपके कुछ मेडिकल टेस्ट भी कराए। अगर आपकी प्रॉब्लम के पीछे कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है या फिर वो बहुत ज्यादा ही सीवियर है, मतलब कि आपका इंसोम्निया बहुत ज्यादा सीवियर हो चुका है, तो शायद आपको एक साइकियाट्रिस्ट या फिर एक साइकोथेरेपिस्ट की भी जरूरत हो सकती है। आपको मेडिकेशन और थेरेपी दोनों की हेल्प से मदद मिल सकती है अपने इंसोम्निया को कंट्रोल करने में। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आपके पास में कोई टॉपिक है या कोई क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।